तो दैट वॉज द रीजन कि हमारी बाइक में से आवाज आ रही थी, पेट्रोल खत्म, शिट। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन डेज, मैंने आप सबके साथ कनेक्ट नहीं किया था। सीधे राइड पे आपको मिल रहा हूँ। द रीज़न इज़ के हम एक छोटी सी राइड कर रहे हैं और मुझे आपको बाइक के बारे में कुछ अपडेट देना था। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम अयोध्या जी से वापस आ रहे थे तो मैंने नोट किया था कि बाइक में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं बैक साइड में से। लास्ट वीक, पिछले संडे मैं सर्विस करवाने के लिए गया था। मैंने वहाँ जाके उनको बताया सर्विस एडवाइज़र को कि बाइक में से आवाज़ आ रही है, बाइक पिकअप नहीं ले रही है, और सर्विस तो जो करवानी थी वो करवानी थी। सारा काम होने के बाद जब बाइक को राइड किया, चेक किया, तो बाइक में जो आवाज़ आ रही थी वो एज इट इज़ थी, ना पिकअप थी ना कुछ था। आई फेल्ट लाइक कि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। जिनसे मैं अक्सर बाइक का थोड़ा बहुत काम करवाता हूँ, वॉशिंग वगैरह होती है, मैंने उन भैया को जब जाके बात की तो उन भैया ने बाइक को देखते ही बोल दिया कि इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो ख़राब है। कह रहे कि पिकअप ना आने का रीज़न भी यही है, किसका सस्पेंशन ख़राब हो रहा है, ऑयल लीक हो रहा है, और एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि इसका लाइक ऑयल इतना लीक हो जाएगा कि ये उछलने लग जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैं गया वापस उनके पास, मैंने जाके उनको बोला कि इसको चेक करो ज़रा एक बारी। उन्होंने चेक किया एंड देवर लाइक के चेन लूप करने वाली है, चेन क्लीनिंग करने वाली है, चेन को थोड़ा टाइट कर देता हूँ। मैंने कहा आप इसका एक बार शॉकर चेक करो। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें शॉकर में, इसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको बोला कि आप इसका एक बार शॉकर चेक करो। तब जाके उन्होंने इसका शॉकर चेक किया, तब उनको पता चला कि इसके शॉकर में प्रॉब्लम है। तब उन्होंने बोला कि हम इसका आपके लिए शॉकर जो है, सस्पेंशन जो है रियर वाला, मोनोशॉक सस्पेंशन जिसको कहते हैं, तो वो हम आपके लिए चेंज कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने चेक किया बाइक का, बाइक इज़ इन ऑब्वियसली अभी एक साल हुआ तो बाइक इज़ इन वारंटी, तो वो वारंटी में ही चेक हो जाए, चेंज हो जाएगा। तो दैट वॉज द रीज़न कि हमारी बाइक में से आवाज़ आ रही थी, इवन सर्विस करवाने के बाद भी ऐसा हो रखा था। सर्विस से पहले तो जो था वो था ही, सर्विस करवाने के बाद भी ऐसा हो रखा था कि बाइक में से पीछे से इतनी मतलब अगर मैं नॉर्मल किसी टूटी फूटी रोड से निकल रहा हूँ, लाइक दिस इज़ प्रॉपर रोड, अगर मैं किसी गली में से निकल रहा हूँ, किसी टूटी फूटी रोड में से निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे तो बाइक ऐसा लग रहा है मुझे कितनी पुरानी बाइक है और कितना खड़क रही है। शिट, मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया यार, रास्ते में पेट्रोल पंप कोई आएगा भी नहीं। अब मैं जिस रूट पे आ गया हूँ, अब उस रूट पे कोई पेट्रोल पंप आएगा नहीं है। अब एक बार इसका पता करते हैं, सस्पेंशन इसका चेंज हो जाए। प्लान किया हुआ था कि 1 तारीख को चलेंगे मथुरा, वृंदावन या आगरा, दोनों में से किसी एक जगह, मतलब है तो दोनों एक ही रूट पे आसपास ही हैं, बट द थिंग वॉज कि मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं मथुरा वृंदावन जाऊँ तो मैं वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, अगर मैं आगरा जाऊँ तो मैं आगरा में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। आई डिडंट वॉन्ट के बस मैं जाऊँ और हाथ लगा के आ जाऊँ। और एक ट्रिप मैं सोच रहा था बना लिया जाए सीकर का, क्योंकि सीकर का इसलिए बिकॉज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो उन वीडियोज़ में मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंशन की है कि वहाँ पर एक वी रैप्स करके हैं। मुझे लगा मेरे को रोक रहे हैं। जो वी रैप्स हैं वो गाड़ियों की, बाइक्स की लेमिनेशन, PPF, रैपिंग सब करते हैं। मैंने उनका काम यूट्यूब पे देखा है, मैं उनको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता हूँ, मैंने उनका काम देखा है, और जो फिनिशिंग है उनके काम में ना, आप शायद ही किसी के, मतलब मेरे को नहीं लगता आसपास में मैंने किसी को देखा है जिनके काम में इतनी फिनिशिंग हो। मतलब दिल्ली में मैंने देखा है लोग करते हैं, करोल बाग भी है यहाँ पे, और लोकल मार्केट्स में लोग बैठे होते हैं करते हैं, बट जो फिनिशिंग उनके काम में है ना, दैट इज़ जस्ट वे टू अमेजिंग। तो एक सीकर का ट्रिप बनाएंगे, बाइक की लेमिनेशन PPF करवा के लेके आएंगे अच्छे से। तो अभी ऐसे 3 ट्रिप्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, आगरा का, मथुरा वृंदावन का, सीकर का,
और तो ऐसा अभी कोई एजेंट है नहीं है, मतलब आगरा और वृंदावन तो लाइक है, फिक्स्ड है। सीकर का देखते हैं कि वहाँ जाके फिर ये है कि हमें पूरा 2 दिन उनको देने पड़ेंगे, तो इट्स लाइक हाँ तो 2 दिन उनको प्रॉपरली देने पड़ेंगे। तो सीकर का अभी देखते हैं कब बनता है, बट आगरा वृंदावन तो लाइक आई ट्राई मैं मार्च में ही कवर कर लूँ। मैंने पूछा उनसे कि क्या रीज़न है जो इसका सस्पेंशन ऐसे लीक कर रहा है या ख़राब हो गया, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो जो बाहर जिनको मैंने दिखाया था उनका तो ये कहना था कि हो सकता है किसी गड्ढे वड्ढे में बड़ी ज़ोर से लग गई हो बाइक, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बट जब मैंने सर्विस सेंटर से पूछा कि क्या रीज़न है, तो दे गेव मी अ वेरी वेग आंसर विच वॉज हो जाता है, कोई बात नहीं, वारंटी में है, कवर हो जाएगा। आई एक्चुअली फेल्ट बैड कि भाई आप एक्चुअली में उसका रीज़न तो फाइंड आउट करो, मेरी कहीं गलती हुई है, मेरे से कुछ गलत हुआ है, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। गड्ढे वड्ढे में लगने से, जैसे वो बाहर भैया बता रहे थे, गड्ढे वड्ढे में लगने से हुआ है तो मैं आगे से गड्ढों वड्ढों में से ध्यान से निकालूंगा, आई विल कीप दैट इन माइंड। पर वो चीज़ नहीं है, वो एटीट्यूड ही नहीं था। तो देखते हैं आज फ़ोन करके उनको क्या कहते हैं, सस्पेंशन आ गया है तो फिर कल चल के चेंज करवा लेंगे, नहीं आया तो फिर देखते हैं कब तक और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके चक्कर में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं बिना सस्पेंशन चेंज करवाए कहीं राइड पे जाऊं या कुछ करूं। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। यहां आके तो मैं हमेशा ऐसे ही सोचता हूं, एक ही गाना माइंड में आता है मेरे, फुकरे मूवी का, जगमग जगमग इन गलियों में हमको थोड़ी जगह दिला दे, जगमग जगमग इन गलियों में हमको थोड़ी जगह दिला दे, वहाँ हमारा दिल ना माने, वहाँ हमारा दिल ना माने, उठा वहाँ से यहाँ बिठा दे, सब्र किसी माँ टूटी हाँ जी, दे दे कोई बूटी हाँ जी, तेरे आगे पीट रहे हैं कब से ढोल 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 रब्बा और सहाना जाए। पेट्रोल खत्म, शिट। भाई की किस्मत अच्छी है यार, मतलब पेट्रोल ने झटका मारा तो बिल्कुल पेट्रोल पंप के आगे। How it feels like to be God's favorite child? मतलब मैं घर से निकला तो आई फेल्ट लाइक के पेट्रोल डलवाना है, लाइक आई फेल्ट लाइक के मैंने पेट्रोल पंप मिस कर दिया है, मैंने वो रूट ही नहीं पकड़ा जिसमें कोई पेट्रोल पंप आता है। एक आता था इस्कॉन के सामने वाला, मैं वहाँ पे पेट्रोल डलवाना मिस कर गया, बाइक ने आगे झटका भी मारा तो कहाँ पे मारा, बिल्कुल पेट्रोल पंप के आगे। How it feels like to be God's favorite child? ब्लेस्ड बच्चे होते हैं ना, ब्लेस्ड बच्चे भगवान के, आई एम वन ऑफ दोस। गाइस बात करते हैं बाइक्स की, तो मैं अभी कुछ टूरिंग के लिए बाइक्स देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो डोमिनार 400 है दैट इज़ अ वेरी अंडररेटेड बाइक। उस बाइक का बड़ा स्पोर्टी सा लुक है, बट उस स्पोर्टी लुक के साथ साथ जो चीज़ है ना वो ये है कि वो बाइक बड़ी मतलब हैवी लगती है, मॉन्स्टर लुक वाली बाइक है वो। और लुक्स के साथ साथ अगर हम बात करें कि उसकी पावर, उसकी परफॉर्मेंस, मैं सोच रहा हूँ जाके एक बार उसका टेस्ट राइड ले लिया जाए। तो अभी जब जाना होगा इसका सस्पेंशन चेंज करवाने, तो ऊपर ही शोरूम है तो क्यों ना उसका एक टेस्ट राइड ले लिया जाए। और टेस्ट राइड के साथ साथ जो चीज़ें हैं हमें पता चल जाएंगी, उसका पिकअप, उसका पावर। बट मैंने उसके जितना मैंने उसके रिव्यूज सुने हैं, जितना मैंने उस बाइक को देखा है, दैट बाइक इज़ लाइक, मुझे लगता है कि ये बाइक ना एक्चुअली में बड़ी अंडररेटेड है। तो अगर आप उस बाइक को नॉर्मली देखो तो बाइक एक नॉर्मल बाइक की तरह नहीं आती है, वो ऑलरेडी आपके पास जब आती है तो टूरिंग रेडी या टूर रेडी होके आती है। दोनों ही कलर भी अच्छे हैं, ग्रीन कलर भी अच्छा है और ब्लैक कलर भी अच्छा है, और ब्लैक कलर तो बहुत ही सेक्सी है, लाइक बहुत ही सेक्सी है।
मेरे को दो बाइक्स हैं इस टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, जिनको लेने की मेरे अंदर एक चुल लगी हुई है कि ये बाइक, इन दोनों में से कोई एक तो लेनी है। एक तो डोमिनार 400 है, दूसरी है सुपर मिटियोर 650। उस बाइक की मैंने टेस्ट राइड ले रखी है सुपर मिटियोर 650 की, और मेरा उस बाइक पे दिल आया हुआ है। मुझे एक दो लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि गो फॉर KTM 390 एडवेंचर, तो मैंने अगर मुझे 3-3.5 लाख ही लगाने हैं, 3.5 लाख से ऊपर का पैसा अगर मुझे लगाना है, यही शायद उसका कॉस्ट है, 3-3.5 प्लस जाती है वो 390 एडवेंचर, तो अगर मुझे इतने ही पैसे लगाने तो आई विल गो फॉर सुपर मिटियोर 650 अनडाउटेडली विदाउट गिविंग इट अ थॉट। और अगर मुझे 400cc तक की बाइक लेनी है तो फिर डोमिनार बेटर है ना, डोमिनार 400 बेटर है। BMW 310 GS थी एक टाइम पे मेरे माइंड में, द ओनली थिंग दैट आई थॉट दैट आई शुड नॉट बी टेकिंग दिस इज के उसका आफ्टर सेल जो सर्विस है वो दैट इज़ वे टू कॉस्टली, एंड उसकी हर जगह पे सर्विस है भी नहीं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव अवॉइडेड BMW 310 GS। Although बाइक वो भी बहुत अच्छी है, बट वो एक इकलौता रीज़न है कि मैं उस बाइक को टॉप मोस्ट चॉइसेस में नहीं रख रहा हूँ। एक ऑप्शन मेरे माइंड में आता है येत्ज़ी का, येत्ज़ी एडवेंचर, तो वो बहुत अच्छी बाइक है, अब उसका ऑप्शन भी मेरे माइंड में आता है। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, बट अगर मैं टॉप मोस्ट, अपनी टॉप मोस्ट चॉइसेस जो हैं वो अगर आपको बताऊं, दैट इज़ गोना बी डोमिनार 400 एंड सुपर मिटियोर 650। इन दोनों में से ज़्यादा मतलब पसंद मुझे इस टाइम पे कोई भी नहीं है, इन ये दो बाइक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। आप बताओ कमेंट करके कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। चाय पी जाए कहीं रुक के, यहाँ पे चाय मिलेगी कहीं पे, देखते हैं कहीं पे अगर चाय मिल रही होगी ना तो कोई टपरी होगी चाय की, ये कुछ होगा तो वहाँ रुकते हैं और चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं घर वापसी। आज की इस वीडियो का मेरा जो मेन पर्पस था वो बस आपको यही बताना था कि जो बाइक में प्रॉब्लम हो रही थी, अयोध्या जी से वापस आते में टक 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 की आवाज़ें आ रही थी, वो क्यों आ रही थी, उसके लिए आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सो वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब उसका जो आगे नेक्स्ट अपडेट होगा वो यही है कि हम कब जा रहे हैं और कब चेंज होगा, और वो वारंटी में ही, मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वारंटी में ही चेंज होगा, बट लेट्स सी। आई एम होपिंग कि मेरा सब कुछ जो भी काम होगा ये वारंटी में होगा, बिकॉज मैंने इसकी सारी सर्विसेज सर्विस सेंटर से ही करवाई हैं और ऑन टाइम करवाई हैं। लास्ट टाइम भी जब इसका वो थ्रॉटल सेंसर ख़राब हुआ था वो चेंज करवाया था हमने, तो वो भी वारंटी के अंडर ही कवर हुआ था। है मुझे मेरे एरिए में चाय की टपरियों नहीं पता, शर्म आनी चाहिए मुझे। मिल गई चाय की टपरी, हम चाय पियेंगे और फिर घर जाएंगे। भैया चाय पिलाइएगा, पिलाइए भैया फिर। तो फाइनली हमने चाय पी ली है, और चाय पीते पीते मैंने, मतलब आपको दिखाने के लिए बाइक का जो सस्पेंशन है उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। यू कैन सी द लीकेज, कितना ऑयल लीक हो चुका है इसका, क्योंकि सफाई भी होती रहती है, बाइक धुली भी है उसके बाद से 2-3 बार, तो कितना इसका ऑयल लीक हो चुका है, और कितना भी आप देख सकते हो कि कितना इस पर ऑयल लगा हुआ है, लीक ऑलरेडी हो रखा है, लगा हुआ है। तो वो भैया बता रहे थे जिनको मैंने बाहर चेक करवाया था, तो वो यही बता रहे थे कि धीरे धीरे इसका जब ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो ये जंप करना शुरू कर देगी। तो दैट्स द थिंग कि जैसे मतलब सस्पेंशन में होता है कि आप किसी गड्ढे में से या स्पीड ब्रेकर में से निकलते हो, आपको झटका फील नहीं होता, तो जंप करना शुरू कर देगी मतलब आपको झटका फील होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने योगा सेंटर, बिकॉज 12:30 बजे मेरा बैच होता है, तो घर हम जाएंगे फिर बैच लेने के बाद। तो अभी मैं सीधा योगा सेंटर जा रहा हूँ, मतलब मेरा योगा सेंटर नहीं है, भाभी का योगा सेंटर है, बट मैं वहाँ पे बैचेस लेता हूँ,
तो इसलिए अब मैं सीधा वहाँ जा रहा हूँ। 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में एग्जैक्टली मैं पहुँच जाऊँगा। भाई लोग चैनल पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, विच इज़ गोना बी द सस्पेंशन चेंजिंग वीडियो। मैं आज कॉल करके उसका अपडेट ले लूँगा एंड अपडेट लेने के बाद मैं आपको बताऊँगा किस दिन हम जा रहे हैं। तो हम जब जाएंगे तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी राइडिंग। जय हिंद दोस्तों।